अमूल्या तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो। इट्स लाइक मेरी लाइफ में कभी ये हुआ ही नहीं है, मतलब मैं राइट नाउ मैं इतना शिवर कर रहा हूँ। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So अभी मैं जा रहा हूँ शूट के लिए, अपना वेब सीरीज का शूट, एंड जो कि कॉल टाइम था उनका 10:30, एंड मैं उठा ही 9:30 बजे, एंड रेडी वेडी होके अभी 10:30 बजे मैं निकल रहा हूँ। सो होप सो मतलब वहाँ पर थोड़ा सा लेट चालू हो जाए ताकि मतलब मेरे को टाइम मिल जाए वहाँ तक पहुँचने के लिए। आज का लोकेशन कुछ अलग है, शायद दूसरा स्कूल है। क्या क्या 10 मिनट में बस आप मेरे को बुलवा देते हो, टाइम ये इतने ज्यादा है ना गाइस। 10:30 बजे का टाइम दिया और मैं 11 बजे पहुंचा इधर, और अभी लेजिट 2 बज रहे हैं, 2 भी नहीं, कितने बज रहे हैं, 3:15 बज गए गाइस। अभी आ रहे हैं भैया मेकअप करने के लिए मेरा। मैंने आया था, आपने बोला मेकअप हो गया है। किसने? उनका हो गया था, वो जो भैया थे साइड में, मैंने करके गया ही था। मेरी बारी आ गई क्या? ओके, मेरे को लग रहा था शाम के 6 बजे बुलाओगे आप। ओके सो गाइज, हमारा सीन आ चुका है, एंड यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। ये स्कूल जो है ऑडिटोरियम में हम शूट कर रहे हैं, बट यहाँ के बच्चों को देख के बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पर जोर के नहीं चिल्ला सकता बिकॉज एग्जाम चल रहे हैं, वरना यहाँ के गार्ड भैया मारेंगे मेरे को। भैया ऑडिटोरियम कौन से, उसमें सेकंड ये नहीं? अच्छा ऐसा है क्या? ऊपर भी लिखा है। अच्छा हाई लिफ्ट में दो जाएगी ये और या फिर ये ना? अच्छा ओके, सो यहाँ पर लिफ्ट 2 है और लिफ्ट 1, लिफ्ट 2 नहीं जाएगी, लिफ्ट 3 में। अच्छा ओके, ऐसा है क्या? मेरे को 3rd फ्लोर पे जाना है तो मेरे को लिफ्ट 3 यूज़ करना पड़ेगा। नाइस, ऐसा ये सही है। सो अभी मैं इधर आया था सुसु ब्रेक के लिए, मैंने सुसु जैसे मैं करने गया तो मैं दरवाज़ा खोला, मैंने बोला नाइस मैंने सुसु किया, बट इफ़ अगर मेरे को पॉटी आती तो मैं कैसे करता? आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर धोने का भी है, यहाँ पर पानी जाने का भी है, बट एग्जिट कहाँ से है? मेन एग्जिट ही नहीं मिल रहा है मेरे को। शुक्र मैं अपनी वैनिटी वैन में अपना 2 नंबर करके आ गया था, इफ अगर मेरे को यहाँ पर आती 2 नंबर तो मैं कैसे करता? शिट, ये मतलब क्या ट्रेजेडी है, ये क्या स्कैम है, मतलब यहाँ से जाएगा कैसे? बट कोई नहीं, हमें सुसु आई थी, हमने सुसु कर लिया, चलते अभी हमारा टेक चालू होने वाला है। ओके सो गाइज, मैंने 15 मिनट का नैप लिया, नैप भी नहीं बोलूंगा, मैंने आंखें बंद ही नहीं की बिकॉज मेरे को नींद आती नहीं है दोपहर को। मैंने सोचा सो जाता हूँ, थोड़ा सा थक गया था मैं तो फिर नींद आई नहीं, बट वही है अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। भैया दिखाओ क्या क्या है। पास्ता कटलेट दिखाओगे? नहीं दिखाऊंगा सर, शक्ल देख लो ना, ये पास्ता इट्स लाइक ब्रेड पकौड़ा। नहीं यार, लो भैया आप ही डाल दो यार, एक हाथ से ब्लॉगिंग एक हाथ से खाना कैसे ले लूँ? थोड़ा सा डालना, ज़्यादा मत डालना, ए बस। वाटरमेलन किसमें था? फ्रूट में वाटरमेलन इज माय फेवरेट, लेजिट फेवरेट, बोलते ना मैं कभी मना नहीं कर सकता। ओके सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे रात हो चुकी है और ऐसा शूट हमारा हेक्टिक, मतलब इतना, ये वेब सीरीज में जितना भी दिन मैं शूट पे आया हूँ ना अब तक का सबसे लेट नाइट वाला था, अभी मतलब ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। ओके सो गाइस, आई जस्ट टेक अ बाथ, एंड यहाँ पर मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया है मेथी के पराठे। क्या आइसक्रीम? नहीं यार आइसक्रीम नहीं खाना। गाइस देहरादून में कैसा होता था ना कि देहरादून में अगर ठंडी भी पड़ती थी बारिश वारिश तो वहाँ पर ठंडा आता है आ जाता था क्योंकि पहाड़ वहाड़ है ना, तो हम वहाँ पर ना आइसक्रीम खाने के, मैं मतलब मेरी मम्मी का तो पता नहीं, मम्मी का तो आइसक्रीम फेवरेट है, अगर वाइट हो तो फेवरेट है, तो मैं आइसक्रीम इतना ज़्यादा नहीं खाता था। इफ़ अगर वहाँ पर बारिश पड़ी, ठंडी की तो बहुत दूर की बात है, तो वहाँ पर ना ऐसा डर रहता था कि गला खराब ना हो जाए। अब मुंबई में डर नहीं है, मुंबई में इस लाइक बारिश भी पड़ा ना तो ठंडी ठंडी इज़ लाइक कि एक दिन का ही रहता है, फिर उसके बाद ना नॉर्मल, तो यहाँ पर आइसक्रीम फुल दबा के खा सकते हैं जैसे कि मेरी मम्मी खा रही है यहाँ पर, है ना मम्मी? टेस्टी है? हाँ तभी तो खा रही हूँ। अरे ओ शेट, मम्मी ने जोक मारा गाइस। चलो खाते हैं। अनदर डे सेम व्लॉग। सो गाइज अभी मैं फुल रेडी वेडी होके जा रहा हूँ, हमारी फ्रेंड, प्यारी सी फ्रेंड जो कि है चंडीगढ़ से आई है, अमूल्या, एंड वो सिर्फ एक ही दिन के लिए आई है, आज ही आई है, और वो उसकी 6 बजे की फ्लाइट है। सो शी सेड कि मतलब फ्री रहेगा तो आना मिलना, तो मैंने बोला डेफिनेटली, बिकॉज मतलब जब मैं आया था मनाली में, जब मेरा शूट था मनाली से मैं चंडीगढ़ जा रहा था, चंडीगढ़ से फिर मेरी फ़्लाइट थी मुंबई की, तो चंडीगढ़ में सिर्फ हम 5-10 मिनट के लिए मिले थे, तो मैंने बोला इस बार मौका नहीं छोड़ेंगे, इस बार मिलेंगे अच्छे से। सो गाइज, जिस मेरे मतलब बोलते हैं ना जिस सब्सक्राइबर को मैं मिलने आया था वो मिली गया मैं। लुक हु इज हियर, डिहाइड्रेटेड, आई लव यू गाइस सो मच, कीप शोइंग योर लव, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि शी विल से क्या हो गया, कुछ भी, पागल हो गई लड़की, छोटी बच्ची, अबे क्या हो गई यार ये ना, ये गाइज मतलब बड़ी हो गई है बट बच्चे की बच्ची, 10 साल वाला दिमाग है इनका, तो मैं ये बोला था एक्सपेक्ट
मैं एक्सपेक्टेशन ये था कि मेरा कि मैं बोलूंगा अमूल्य आई अमूल्य। अरे बोलने देगी मैडम, क्या हो गया आज, मूड खराब है क्या? मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था गाइस कि ना ये मेरे को बोलेंगे हाय, रुक जाओ ना, हाय बोलेंगे, बट नहीं बोलती हाय लव यू गाइस सब्सक्राइब टू माय। ये क्या था ये? तो मैं तुझसे की बात करूं, उनसे बात करूंगी। तू मुझसे बात करो, मैं मिलने आया हूं इतनी दूर से, तो वो देख रहे वीडियो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो डेफिनेटली है, बट मेरे को भी तो बोल दो, थोड़ा सा बोल दो। कोई नहीं, मैं टॉफी लेके जाऊंगी। टॉफी नीचे है मुझे, पहले बताओ हाय बोलो, जल्दी बोलो यार, हाय बोलो मुझे। आकाश नाइस, हां ये हेलो। देखा गाइस, बाकी अभी हम ना रील शूट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते, ऐसे पता क्या लगेगा, सेल्फी स्टिक लगेगा। थोड़ा पास रखो, ऐसे ऐसा रखोगे ना, ये देखो बढ़िया। अरे वाह, बोला था ना सेल्फी, ऐसे ऐसे बात करते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, देखो कितने गंदे लग रहे हैं। हाय गाइस, हाय गाइस, व्हाट्स अप। ये चंडीगढ़ से आई, आज ही जा रही, पता नहीं क्यों। मेरे को तो मैं तो चाहते हैं ऐसे नहीं करते। मैं बोला था आप ही आज ही चले जाओ, इतने कम टाइम के लिए आई। उस दिन भी मैं मनाली से आया था चंडीगढ़। I'm busy people. Not busy people, she is 2 rupees people. Wow, जा रही है मैडम, wow. अपनी बैग को लात मार दी। बट बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम आओगे तो लंबा दिन के लिए आना। मैं हूँ, अब मैं नहीं यार, आपको वापस आना पड़ेगा। चलो फिर ठीक है, मैं आता हूँ चंडीगढ़ बट थोड़ा टाइम के बाद, बट आपको उससे पहले आना है मुंबई, ठीक है? मेरे को लगा अभी आप बोलोगे सबके नो माय चैनल अगेन। अमूल्य तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो। नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा तुसी जा रहे हो, मुझे पता है आप जा रहे हो, बट मैं चाहता हूँ ना जाओ, तो इसे तुसी ना जाओ, तुसी चल पो नाल। हाय हाय, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, मेरी लाइफ में, मतलब अब तक के जितने भी लाइफ में सुपर डांसर के बाद जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, जो मेरा काम देख के मेरे को पसंद करते हैं, एंड मैं उनको फ़ैन तो नहीं बोलता, एज एन मेरे फैमिली मेंबर जो भी मतलब लाइक मेरे को पसंद करते हैं, जो लोग भी मेरे को सपोर्ट करते हैं मेन, सो वो जब भी मेरे को कहीं भी मिलते हैं, लाइक घर पे आते हैं मिलने, या फिर कहीं भी बाहर अगर मैं घूम रहा होता तो वो मेरे को मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कुछ कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि जो ना मेरा काम देख के इतना पसंद करते हैं मेरे को कि वो मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, लाइक चॉकलेट्स वगैरह, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। बट इस बार आज सुबह मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जैसे कि आप लोग ये भी देख रहे हो, इट्स लाइक मेरी लाइफ में कभी ये हुआ ही नहीं है। मतलब मैं राइट नाउ मैं इतना शिवर कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी अब तक की जितने भी करियर में मेरे होर लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें है क्या। सो सुबह मैं बेसिकली सो रहा था, तो फिर मेरी मम्मी को मतलब बाहर बुलाया, फिर देन जो फैन मेरे आए थे मेरे से मिलने के लिए, तब तो मैं सो रहा था, तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो आप उठाओ मत उसे, ये उसको उसके लिए गिफ्ट है, ये उनको दे देना करके। तो फिर मेरी मम्मी ने गिफ्ट लिया और वो आ गई, एंड देन उसके बाद मैं जैसे ही उठा तो मम्मी ने बोला कि ये तेरे लिए गिफ्ट है, तो मैंने बोला ओ नाइस। तो फिर मैंने खोल के देखा, सो आई वॉज लाइक कि मतलब ये मेरे को पैकिंग ऐसे आया, एंड ऐसा लग नहीं रहा था इसके अंदर कुछ है, मेरे को ऐसा लग रहा था सेम चॉकलेट ही है, एंड आई वाज लाइक हैप्पी कि मतलब मेरा वैसे ही क्रेविंग हो रहा था सुबह सुबह की चॉकलेट खाऊंगा करके। बट मैंने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं खोलते, सो मैंने खोला, देन इसके बाद मेरे को ये कुछ दिखा, मैंने बोला भाई इंडिया, यूएसए, यूएई, मैं ऐसा हो गया कि मतलब शिट, मतलब ये यहीं से चॉकलेट आए होंगे शायद। तो आई वाज लाइक कि शिट मैं खोलता हूँ देखता हूँ। सो मैंने देखा तो इसके अंदर लेजिट सोने का चेन था। आई वाज लाइक कि शिट, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं था, और मैं ऐसा शॉक हो गया कि शिट। मैंने उनको वापस से कॉल बैक करके मैंने बोला कि मैं नहीं रख सकता ये, बट शी सेड कि मतलब आप हमारे, मतलब उनकी मम्मी भी आई थी तो उन्होंने बोला कि हम आप हमारे बेटे जैसे हो, तो आपके लिए गिफ्ट है। तो आई वॉज लाइक कि शिट, मतलब मैं उस टाइम पर इतना इमोशनल हो गया था, इतना टच्ड हो गया था कि भाई यार मतलब मैं इतना काम करता हूँ, एंड फिर मतलब मेरे काम को इतना पसंद करने के बाद आप इतना कुछ कर लियो मेरे लिए, तो मतलब ये शिट। मैंने बोला कि अगर आप मेरे लिए एक पानी का बोतल या फिर एक कोल्ड ड्रिंक भी लेके आते ना, तो मेरे लिए बहुत था वो, क्योंकि इतनी दूर से आप मेरे से मिलने आए हो। हाँ, सो मम्मी क्या कहना चाहोगे आप? आपको पता था कि इसके अंदर ये सब रहेगा जब कोई किस दिया आपको मेरे फैन? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जब मैंने ये गिफ्ट देखा, मेरे को पहले लगा चॉकलेट होगा। हाँ, मेरे को भी सेम यही लगा, चॉकलेट होगा करके मुझे चॉकलेट लगा, और मैंने इसको दिया और ये जस्ट उठा था और इसने भी रैपर खोल दिया। हाँ, रैपर खोला और मैंने आई वाज लाइक कि मम्मी ये क्या है, और मैं ऐसे सो के मैंने खोला, और जैसे ही मैंने देख लिया ना कि इसमें चेन है सोने का, तो मैं ऐसे हो गया मम्मी ये किसने दिया, मैं ऐसा डर गया। और सिर्फ
और सिर्फ मेरे लिए नहीं है ये, मम्मी और पापा के लिए भी कुछ गिफ्ट लाए हैं। सो ये मम्मी के लिए लाए हैं साड़ी, मेरे लिए साड़ी है, और पापा के लिए भी गिफ्ट लाए। पापा के लिए H&M से एक टी शर्ट दिया है, एंड मैं ऐसा हो गया कि शर्ट मतलब मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए कर ले, मेरे लिए कर रहे होते तो मैं ऐसा होता कि चलो ठीक है, बट मेरी फैमिली के लिए भी मैं ऐसा शॉक हो गया यार। मतलब आकाश बोल रहा है जैसे भी खोला, मम्मी आपने दिया मुझे सरप्राइज। हाँ मेरे को ये लगा कि मम्मी ने गिफ्ट दिया, क्योंकि मैं मेरी मम्मी कब से बोल रही थी कि अगर तेरे को चेन लगाना है तो बता मैं बनवा देती हूँ ऐसे। तो मैंने बोला कि नहीं मैं पहनता नहीं हूँ, तो फिर मेरे को वैसे भी मतलब ऐसा जमता नहीं है कि क्या पता खो जाए तो पैसे वेस्ट। तो फिर मम्मी ने बोला कि चल ठीक है, फिर मेरे को लगा कि आज मम्मी ने गिफ्ट दिया। सच में बहुत मतलब ऐसा प्राउड फील होता है कि देखो बेटे के लिए इतना कीमती गिफ्ट, कीमती गिफ्ट है सच्ची में। मम्मी को प्राउड फील होता है मेरे लिए, और मेरे को प्राउड फील होता है कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते देखते हैं। मतलब बहुत प्यारे मतलब आप लोग हैं जिन्होंने भी ये गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे को मेरा व्लॉग देख रहे हो तो लव यू सो मच। एंड बट या नेक्स्ट टाइम से इतना बड़ा गिफ्ट नहीं, बट ठीक है मेरे को अच्छा लगा ये, बट इतना बड़ा गिफ्ट नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा स्किप करना। बाकी या थैंक यू सो मच जिन्होंने भी गिफ्ट दिया। पेन तो सही पहना दो। हाँ पहना दो मेरे को ताकि वो मतलब ले ले फोटो। हाँ मतलब बिलीव नहीं हो रहा यार मम्मी। शिट गाइस लुक एट दिस, मम्मी मेरा छाती कप कपा रहा है यार। काफी अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट ठीक है अभी क्या ही बोलूँ। मैं वापस इसको पहन लूंगा एक दो दिन, मतलब जब घर पे रहूंगा ना तब पहनूंगा, बाहर तो मेरे को डर लगता है यार कोई छीन वीन के भाग ना जाए। बट या थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये गिफ्ट। पहन के फीलिंग लो। हाँ पहन के फीलिंग ले लिया मैंने अभी।